इसलिए हम बिहार को बधाई देते हैं कि इस मानव ये रावण श्रृंखला, ये दानव श्रृंखला, ये यजीद और कंस का श्रृंखला है, ये किसी और का श्रृंखला नहीं है। सड़कों पर या तो कलेक्टर मिल रहे हैं, या तो सीओ, या तो बीडीओ, या तो दलाल, या तो माफिया, या तो ठेकेदार, बस। और जबरदस्ती बच्चों को कहीं खड़ा कर दिया है। आप देख लीजिए, यहां से जाकर के कहीं आपको श्रृंखला नहीं मिलेगी। पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, पूरा बिहार माफियाओं के चंगुल में है। रोम चल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, वो स्थिति है सत्ता पक्ष और पक्ष का। हम पक्ष विपक्ष से हम उम्मीद करेंगे कि वो सड़कों पर उतरे, वो पप्पू यादव का साथ दे, वो आंदोलन कर लिया। एक को पीटते पीटते मार दिया गया था, उसमें तो कोई नहीं आए। ये न विपक्ष है न कोई है, क्यों? राहुल किसी का बेटा नहीं था क्या? हमें सुप्रीम कोर्ट जाकर के राहुल के लिए न्याय लेना पड़ा, सबको क्लीन चिट मिल गई थी, अब जाके गिरफ्तार हुआ और हाईकोर्ट में मुझे लॉयर खड़ा करना पड़ा। ठीक है, क्या उस बच्ची को न्याय नहीं चाहिए था क्या? ये विपक्ष वाले भूल गए थे कि वो भी बिहार में ही है क्या? तो ये लोग वोट की राजनीति से राजनीति करते हैं। और पप्पू यादव बिहार और बिहारी और इंसानियत को बचाने की राजनीति करते हैं, गरीबों को बचाने की राजनीति करते हैं। सर, जैसा कि ऐसा सुनने को मिल रहा है कि यहाँ जो है सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं आयुष चिकित्सक देते हैं, उनको जो है वेतन कम दिया जाता है, और एलोपैथ चिकित्सक जो मुख्यालय में बैठे रहते हैं उनको अधिक वेतन दिया जाता है। एनएमसी बिल पास किया गया, उस पर भी रोक लगा दी गई। निश्चित रूप से आयुष चिकित्सक के लिए, आयुष चिकित्सक के लिए राष्ट्रपति प्रस्ताव में हम मामले को लाए हैं।